हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बहुत ही विशेष विधान मैं आप सभी के समक्ष बताने वाला हूँ। यह विधान हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में विविध प्रकार की समस्याएं हैं। वह एक प्रकार की नहीं बल्कि कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। चाहे उसके ऊपर बहुत अधिक ऋण है, शत्रु बहुत अधिक हैं, या कुछ ऊपरी बाधा से वह परेशान है, तो किस प्रकार वह देवताओं की सहायता प्राप्त करें। देवों के देव महादेव हैं और महादेव के गण जो होते हैं सबसे अधिक सक्षम और जागृत होते हैं। भगवान महादेव और माँ जगत जननी जगदम्बा के जो गण, उनके जो सेवक होते हैं, वह सदैव अपने आराध्य के भक्तों की रक्षा और सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। इस बात को आप जान लीजिए। जैसे कि आप जिस दिन से भगवान शिव और माँ जगदम्बा की आराधना साधना आरम्भ कर देते हैं, उसी समय से वह गण जो होते हैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपको उनका प्रयोग करना नहीं आता या हमें उस बात की जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार उनसे सहायता मांगें। जैसे कि हमारे पास वायुमंडल में विविध प्रकार के गैस उपस्थित हैं, लेकिन किसी एक प्रकार का गैस अगर हमें प्रयोग करना हो तो उसे छानने की विधि या छानने का उपकरण हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उस विविध प्रकार के गैसों में से एक गैस का प्रयोग, एक प्रकार के वायु का प्रयोग कर पाएंगे। तो यह विधान जो है आप उन व्यक्तियों के लिए है जिससे कि वह व्यक्ति इस प्रकार की सहायता भगवान शिव के, भगवान रुद्र के गणों से प्राप्त कर सकें। आने वाले समय में मैं आपको इस विषय में पूर्ण तंत्रोक्त जानकारी दूंगा। एक साधारण गृहस्थ जो साधारण तरीके से, सरल तरीके से कैसे इसकी सहायता प्राप्त करें। आज की वीडियो को आप अंत तक अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं इस विषय पर और अधिक गूढ़तम ज्ञान, जो रहस्य हैं, जो एक सीमा तक दी जा सकती है, जब मैं वह दूँ तो आप तक वह जानकारी प्राप्त हो। एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आप इस बात को समझिए कि किस प्रकार देव शक्तियाँ कृपा करती हैं और कैसे उनसे सहायता लेनी चाहिए। आप में से कोई व्यक्ति किसी एक समय में, विशेष दिन में एक अनुष्ठान आरंभ किए, जैसे कि माँ भगवती की आपने किसी मंत्र की साधना आरंभ की, अष्टाक्षर मंत्र की साधना आरंभ की, आपने सवा लाख जब संपूर्ण कर लिया, तर्पण मार्जन होम हवन सब कुछ संपन्न कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन में कुछ बहुत विशेष बदलाव नहीं आए, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो साधना की है वह साधना निष्फल हो गई। या फिर हम यह भी कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध ऐसा रचित है, हमारे कर्म ऐसे हैं कि प्रारब्ध कट नहीं रहे हैं, जिसके कारण हमारे जप तप का फल पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, यही व्यक्ति बोलता है साधारण रूप से। लेकिन एक बात आप जानिए, जैसे कि आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जैसे कि आप अपने पिताजी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति है वह आपके पिताजी का बहुत अधिक सम्मान करता है, तो जब कोई तीसरा व्यक्ति आपके पिताजी का सम्मान करेगा तो आपके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति स्वतः ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। स्वतः ही आप उसके लिए अच्छा सोचेंगे, आप उसकी सहायता करनी चाहेंगे। कभी अगर वह किसी मार्ग में गिरा पड़ा मिल जाए तो आप भले ही डायरेक्टली उसे नहीं जानते हो, वह आपसे सीधे सीधे कभी बात भी ना किया हो, लेकिन आप उसकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि वह आपके पिताजी का बहुत सम्मान करता है, बहुत आदर करता है। ठीक उसी प्रकार से देवगण, जो भगवती के गण होते हैं, जो महादेव के गण होते हैं, या किसी भी बड़े महाशक्तियों के गण होते हैं, योगिनियाँ होती हैं, परिचारिकाएँ और साधिकाएँ होती हैं, वह भी मातृतुल्य और पितृतुल्य, देवतुल्य, भ्रातृतुल्य, मित्रतुल्य हो करके आपकी सहायता करने को तत्पर होते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे कुछ विधान अवश्य कर लेने चाहिए, करने होते हैं, जिनको करने के बाद ही वह कृपा हमें प्राप्त हो पाएगी। अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कुछ जो है सीमाएँ हैं, जब तक आप नहीं बोलेंगे वह नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए देखिए, जब शास्त्रोक्त विधान में आप जाते हैं तो संकल्प एक बताया गया है, संकल्प करना है, चाहे आप सकाम संकल्प करें या निष्काम संकल्प करें, दोनों ही विधान में संकल्प करना होता है। अगर आपको प्रभु भगवान से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनकी मतलब कि उनकी कृपा चाहिए, तो भी हमें निष्काम संकल्प करना होता है।
और जब हमें कुछ मनोकामनाएं होती हैं तो उसके लिए सकाम संकल्प करना होता है, तो ठीक है विधान है। तो उसी प्रकार से जब हमें किसी गण की, किसी महाशक्तियों के गण की सहायता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए कुछ एक विशेष विधान होता है, जो हर गुरु परंपरा में अलग अलग विधान है। हमारे गुरु परंपरा में जो है मैं वह आप सभी के समक्ष रखूँगा। विधान बहुत सारे हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए और साधारण लोग उसको प्रयोग कर सकें उसके निमित्त जो है वैसा सरलतम विधान आप सभी के समक्ष में रखूँगा, ताकि आप आसानी से उसे कर सकें। आने वाले कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपछायक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भगवान शिव के मस्तक पे अर्ध चंद्र विराजमान रहता है, पूर्ण चंद्र नहीं। और उस अर्धचंद्र जो देवता हैं, अर्धचंद्र दूज के चांद जो कहे जाते हैं, तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं भगवान महादेव की, कुछ ऐसे गण हैं जो सिर्फ और सिर्फ तभी सहायता करने को तत्पर या जागृत या आपके लिए वचनबद्ध होते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जब ग्रहण लगा हो और वह आंशिक हो, पूर्ण ना हो। तो आने वाले समय में यह एक बहुत ही विशेष समय और विशेष काल आपको प्राप्त हो रहा है। अगर उस दिन आप भगवान महादेव से सहायता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं और उस दिन आप यह जो मैं बताने वाला हूँ विधान उसे कर लेते हैं, तो भगवान अगर इच्छा करें, अगर उनकी इच्छा होगी, हमारा आपका प्रारब्ध होगा, तो मैं जो बताऊंगा उससे महादेव की कृपा से गणों की सहायता आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन यह सहायता किस प्रकार से होगी, यह आपके तप की क्षमता पे, आपके तपोबल की क्षमता पे, आपकी भक्ति भावना के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे सहायता ले पाएंगे। विधान में पूरी तरीके से बताऊंगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। अगर आप उसे पूरी तरह से सुन करके करते हैं तो अवश्य आपको फायदा होगा। साथ ही मैं बहुत सारी साधनाएं बताते रहता हूं, लेकिन आपको बहुत सारी साधनाएं नहीं करनी है। बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप एक साधना पकड़ें, आप करते करते जब मैंने कहा कि हाँ ये साधना इतने दिन तक करनी है, कर लिए, फिर उसे छोड़े, फिर नया पकड़े, नहीं। किसकी आवश्यकता आपको है? अगर आप अभी तक कोई साधना नहीं कर रहे हैं तो इस साधना को कीजिए। अगर बहुत सारी साधनाएं आप पहले से पकड़े हुए हैं तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं और इसे करना चाहते हैं, तो अगर इसको उठाते हैं या साधना करना आप चाहते हैं और इसे आरंभ करते हैं, तो कृपया करके इसे लंबे समय तक करें। कम से कम अगले साल जो श्रावण मास आने वाला है तब तक तो अवश्य करें आप। तब तक अगर आप इस साधना को कर लेंगे तो इसका प्रभाव जो है पूर्ण रूप से आजीवन आपके साथ बन जाएगा। आप 10 दिन करके छोड़ दीजिएगा, 1 महीना करके छोड़ दीजिएगा, तो उसका कुछ बहुत विशेष प्रभाव बहुत दिनों तक नहीं बन पाएगा। तो कृपया करके जब साधना को उठाएं तो उसे प्रयास करें लंबे समय तक लेकर के चलने का। साथ ही यह जो मैं साधना आप सभी के समक्ष रखूंगा वह बहुत कम समय लगेगा, प्रतिदिन उसको करने में बहुत कम समय लगेगा, मुश्किल से 5-10 मिनट या 15 मिनट से भी कम लगेगा। तो आप दैनिक साधना उपासना जो भी आप पहले से करते आ रहे हो उसे करते हुए इसको करना है। सिर्फ एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है आपको इसके लिए विशेष समय देना होगा, उस दिन करने के बाद, क्योंकि एक दिवसीय ही है, और जितना मैं बोलूँ उतना ही जप करना है, अधिकाधिक नहीं करना है, क्योंकि आपको उनकी ऐसी ही कृपा प्राप्त करनी है जिससे कि वह आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता किसी भी तरीके से करें, ना कि आपको उनको सिद्ध करके घर में रखना है या फिर उनके साथ अब ये करना है कि मुझे ये बताइए वो बताइए, ऐसा कुछ नहीं करना। उसका सारा विधान ही अलग हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी क्रियाएँ करनी होती हैं। वो फेसबुक पर नहीं हो सकता है, यूट्यूब पर वो सब साधना नहीं हो सकती है। उसके लिए जो जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं भैया, उसके लिए वस्त्र तक सिद्ध करने पड़ते हैं। पता नहीं आप लोग जो भी सुन रहे हैं आप में से ये व्यक्ति इस चीज़ को सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, कि जो वस्त्र पहनने हैं ना शरीर पे, जब देवताओं के गणों को सिद्ध किया जाता है या योगिनियों को सिद्ध किया जाता है, सिद्ध का अर्थ यहाँ कदापि ये नहीं है कि आप प्रत्यक्ष कर लें जब चाहें, वो गृहस्थ नहीं कर सकते हैं, गृहस्थी छोड़ना पड़ेगा। तब गृहस्थी में सिर्फ उनका कृपा प्राप्त करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और अगर उस क्षमता है आप में, अगर उतनी क्षमता है और आप उस स्तर की सिद्धि चाहते हैं, तो फिर गृहस्थ में भी आपको बहुत ही अनुशासन में रहना होगा। फिर अनुशासनहीनता उनको बर्दाश्त नहीं होने वाली, महाशक्तियाँ जो हैं वो बर्दाश्त करेंगी, माता पिता जो हैं भगवान शिव महाजगदम्बा वो माता पिता वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनके जो शक्तियां हैं, योगिनियां हैं, उनके जो गण हैं, वह गलतियां नहीं बर्दाश्त करती हैं। तो वहां जो है जब हम सिद्धि करने के लिए जब बैठते हैं, उनका जब विधान होता है, तो जो आप एक वस्त्र धारण करेंगे, यानी कि जो लंगोट धारण कीजिए या फिर जो आप
गुरु की कृपा से या गुरु के आदेश से जो भी आप वस्त्र धारण करेंगे, धोती हो, गमछा हो, वह उसी उसी सारे चीज़ को सिद्ध करने के लिए आपको कम से कम सप्ताह भर लगता है। उन्हें भी सिद्ध करना पड़ता है। जो आप यज्ञोपवीत धारण करेंगे, उस यज्ञोपवीत को धारण करने के लिए एक विशेष तंत्रोक्त विधान अलग होता है, तंत्रोक्त मंत्र अलग होता है, यज्ञोपवीत को बचाना होता है, कुछ उसमें विशेष ऐसी क्रियाएँ होती हैं। जो आपके हाथ में रक्षा धागा, रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, वह भी विशेष प्रकार से बांधा जाएगा। जो टीका लगेगा, जो आप मस्तक पर लेप लगाएंगे, वह सभी विशेष मंत्रों से और विशेष मुद्राओं से उसे लगाने होती हैं। जिन जिन साधनाओं को आप करेंगे, उन साधनाओं को करने के लिए, तो भैया उतने डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह सब यूट्यूब पे हो ही नहीं सकता है, या अगर कोई बोले कि हो जाए तो भाई आपको सिर्फ ठगा जा रहा है और कुछ नहीं। इसलिए मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि भाई कृपा प्राप्त करो, आशीर्वाद प्राप्त करो, जीवन सफल करो। आवश्यकता ही नहीं है उनको सिद्ध करने की। बिल्कुल आप उनको अप्रत्यक्ष रूप से भाई कि मुझे सहायता करें, क्या विधान होगा मैं आपको बताऊंगा, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। उस सीमा तक आप करें। भविष्य में कभी वैसा संभव हुआ तो मैं उनका पूर्ण वह विधान बताऊंगा और प्रयास करूंगा मिलकर के बताने का। कोई अगर वैसे आगे वैसा बड़ा हमारा परिवार बन जाता है, YouTube का परिवार, लोग वैसे सक्षम मिल जाते हैं जो कि इन साधनाओं को करना चाहें, तो पूरी तरीके से करने का मैं विधान बताऊंगा। उसमें समय देना होता है, धैर्य रखना होता है, एक दिन दो दिन में नहीं होता है, उसमें तपोबल लगता है, समय लगता है, एक दिन दो दिन की साधना है ही नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आगे मैं पूरी विधानों को बताऊंगा। उस विधान को अच्छे प्रकार से समझ के, सुन के, उसके बाद उस विधान को आप करके देखें, अवश्य लाभ आपको प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। अगला वीडियो जो होगा मैं उसमें पूरा विधान बताऊंगा।